एटीएम काटने का प्रयास कर रहे युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में जीआरएम पब्लिक स्कूल के सामने कुछ लड़के एटीएम काटने का प्लानिंग कर रहे थे, तभी चीता मोबाइल दस्तक करती हुई वहां पहुंची। जब उन्होंने उन लड़कों को वहां खड़े देखा तो पूछताछ शुरू की। इतने में वहां खड़े विभाग भागने लगे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चार युवकों को हिरासत में लिया है। एक युवक भागने में कामयाब हो गया। उन चार युवकों से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वह एटीएम काटकर पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से एटीएम काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं। इस बात का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि पुलिस की सक्रियता की वजह से युवक घटना को अंजाम नहीं दे सके। इन चारों को जेल भेजा जा रहा है और जो फरार हुआ है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। गैंग पकड़ा गया है, किस तरीके से गैंग की सुराग से मिली और क्या कार्रवाई की गई? थाना प्रेमनगर के अंतर्गत कल 3 बजे के आसपास, देर रात्रि को 3 बजे के आसपास चार पांच लोग थे, ये वहाँ पर जो एटीएम है उनके आसपास घूम रहे थे। इसी में पहले ही एक्सिस बैंक के एटीएम के अंदर गए, वहाँ पे इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मिट्टी से ढक दिया जिससे कि ये पकड़ में ना आए। उसके बाद जब इनको लगा कि यहाँ पर आवाजाही ज़्यादा है तो उसके बाद वो निकलकर बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम में वहाँ पे गए और वहाँ पे ये अपने जो औजार थे एटीएम काटने को, एटीएम काटने के जो औजार थे उसको लेके वहाँ पे गए थे जिससे कि ये एटीएम को काट के उससे जो पैसा है उसको निकाल सके। इसी बीच वहाँ पर एक होमगार्ड थे, उनके द्वारा ये इनको देखा गया। ये सूचना जो है तत्काल ही पुलिस को दी गई, वहाँ पे जो चीता के मोबाइल के सिपाही थे और उनके द्वारा इनको वहाँ पे दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति है वो जो पांचवा आदमी है वो वहाँ पे तमंचे से फायर करके भाग गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें से एक हरियाणा का है और बाकी जो दो लोग हैं वो बरेली के हैं और एक फिरोजाबाद का है। इन चारों ही को गिरफ्तार किया गया और जो पांचवा अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। प्रेमिका का क्या एंगल था, प्रेमिका से कौन मिलने आया? इसमें जो हरियाणा का लड़का है उसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी वो बरेली अपनी प्रेमिका से मिलने आता था और इसी दौरान वो इन लोगों के संपर्क में आया और उनके माध्यम से ये पूरी घटना का इनका प्लान बना और ये पूरी घटना कारित करने के लिए इन्होंने योजना बनाई।